चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो, इस चैप्टर में हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा था ना अभी, कि जिसमें हम लोग प्रो राटा शेयर्स के बारे में समझ रहे थे। उसके बारे में हमने कुछ सम्स देखे भी थे फाइनल एक्सरसाइज के। आज हमें फाइनल एक्सरसाइज का वैसे ही क्वेश्चन नंबर 21 देखना है। आपकी टेक्स्टबुक साथ में रखो, फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक जितने भी हमने रूल्स किए वो अब सभी रूल्स मिक्स आ रहे हैं, हमने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। जो बेसिक एंट्रीज हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, वो जो बेसिक एंट्रीज हैं, इनके अलावा कॉल सिनेरियोस की एंट्रीज, फॉर फीचर की एंट्रीज, फिर ये प्रो राटा की एंट्रीज, अब ये सब एंट्रीज मिक्स है ना हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 21 वो भी वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो, जैसे लिखा हुआ है, शारदा लिमिटेड इश्यू 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। ₹10 के शेयर पे ₹4 का प्रीमियम। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज अंडर, एप्लीकेशन पे ₹4, अलॉटमेंट पे ₹3 प्लस प्रीमियम, मतलब ₹3 अलॉटमेंट के और ₹4 प्रीमियम के, बराबर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड 3.5 टाइम्स, मतलब 6 लाख शेयर है ना, उसके 3.5 टाइम्स जो है वो एप्लीकेशन मिले, इतने सब्सक्रिप्शन मिले। आउट ऑफ विच 4/7 शेयर एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड फुल्ली एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 4/7 को फुल्ली रिजेक्ट किया, बाकी का प्रो राटा पे रखा हमने। एक्सिस एप्लीकेशन मनी वॉज क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल, बाकी के पैसे अलॉटमेंट कॉल में एडजस्ट किए हमने। राइट अ नेसेसरी जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ शारदा लिमिटेड। देखो, इनमें भी जैसे हम लोग पहले रफ वर्क करते हैं ना, तो रफ वर्क के हिसाब से सबसे पहला काम क्या करते हैं कि भाई कितनी एप्लीकेशन मिली है, उसमें से कितने फुल्ली रिजेक्ट किए, कितने फुल्ली एक्सेप्ट किए, कितने प्रो राटा में रखे, वो 3 सिचुएशन करते हैं ना, बरबर ना, एप्लीकेशन के वक्त वो काम आती है। तो देखो, वैसे तो 6 लाख इक्विटी शेयर्स थे, लेकिन एप्लीकेशन मिली 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स से ज़्यादा, मतलब 6 लाख मल्टीप्लाई 3.5 अगर करो ना, तो 21 लाख की एप्लीकेशन मिली है हमें। कितनी एप्लीकेशन मिली है हमें? 21 लाख शेयर्स की। उस 21 में से जो 3 सिचुएशन आती है, वैसे 3 सिचुएशन करते हैं कि कितने शेयर्स फुल्ली रिजेक्ट किए हमने, कितने शेयर्स फुल्ली एक्सेप्ट किए, और कितने हमने प्रो राटा में रखे हैं, बराबर ऐसे ही किया जाता है ना। तो कितने फुल्ली रिजेक्ट किए, तो उसके लिए देखो दिया हुआ है कि इनमें से 4/7 शेयर एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड फुल्ली, 4/7, मतलब 21 लाख मल्टीप्लाई 4/7 करें, तो 21 लाख मल्टीप्लाई 4/7 करो ना, तो वो हो जाते हैं 12 लाख। 12 लाख हमने फुल्ली रिजेक्ट कर दिए, बराबर। फुल्ली एक्सेप्ट कितने किए, तो देखो फुल्ली एक्सेप्ट में हमेशा जितनी मेन इश्यूड कैपिटल हो वही लिखते हैं ना, जितने इश्यूड शेयर्स हो वही लिखते हैं फुल्ली एक्सेप्ट में, पहले भी हमने किया था। तो इश्यूड शेयर्स कितने हैं? 6 लाख है, तो फुल्ली एक्सेप्ट तो वही करेंगे ना, उससे ज्यादा करेंगे ना उससे कम करेंगे, फुल्ली एक्सेप्ट में तो वही आएगा 6 लाख। बाकी के प्रो राटा में रखेंगे, बाकी के प्रो राटा मतलब के 21 लाख में से अगर 12 लाख यहाँ पे, 6 लाख यहाँ पे, 18 लाख हो गए, तो बाकी के हो गए 3 लाख। 3 लाख शेयर्स प्रो राटा में रखे, मतलब 3 लाख शेयर्स के पैसे हमें रिटर्न करने थे, वो रिटर्न किए नहीं, उसे रख दिए, अलॉटमेंट में इतने पैसे कम मिलेंगे हमें 3 लाख शेयर्स के, हैं ये सब शेयर्स है, ये अमाउंट नहीं है। तो 12 लाख फुल्ली रिजेक्ट किए, 6 लाख फुल्ली एक्सेप्ट किए, और बाकी के 3 लाख को प्रो राटा में रखा। तो एप्लीकेशन में वैसे एंट्री करते हैं ना हम लोग, बराबर ना। तो अब एप्लीकेशन की पहले एंट्री करें ना, एप्लीकेशन में जैसे हम लोग 4 स्टेप करते हैं वैसे ही, कि एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री होती है कि जितने पैसे मिले हमें, जितने एप्लीकेशन के पैसे मिले वो लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने मिले हमें, तो उसमें पूरे जितनी एप्लीकेशन मिली वो ना, उसके बाद फिर 3 अलग अलग एंट्री करेंगे ना हम लोग, तो पूरे तो 21 लाख मिले, 21 लाख के कितने, 4 रुपीज, तो मतलब शेयर एप्लीकेशन में लिखेंगे 21 लाख के 4 रुपीज हम लोग लिखेंगे, तो 21 के 4 रुपीज कितने हो जाएंगे, 84 लाख।
84 लाख वो हमें पैसे मिले। अब उनमें से, अब उन 84 में से ये तीन एंट्री करेंगे भाई। पहले फुल्ली रिजेक्ट, जितने रिजेक्ट कर दिए वो हम लोग वापस कर देना। तो फुल्ली रिजेक्ट की एंट्री, इसकी अपोजिट एंट्री कर दें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, के जिसमें 12 लाख शेयर हमने फुल्ली रिजेक्ट किए, 12 लाख के 4 रुपीज, बराबर ना। 12 लाख फुल्ली रिजेक्ट, 12 लाख के 4 रुपीज अगर हम लोग कहें तो वो कितने हो जाएंगे, 48 लाख। उनके पैसे हमने वापस कर दिए, 48 लाख। दूसरा, तो दूसरा आएगा जो फुल्ली एक्सेप्ट किए वो एंट्री करेंगे। फुल्ली एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो एक्सेप्ट किए वो ये लिखेंगे ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जिसमें एक्सेप्ट किए हमने 6 लाख शेयर्स के 4 रुपीज, 6 लाख के 4 रुपीज मतलब 24 लाख, ये हुए फुल्ली एक्सेप्ट। और बाकी के प्रो राटा में, मतलब बाकी के पैसे हमने रिटर्न नहीं किए, उसे जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो कितने शेयर्स के अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, 3 लाख शेयर्स के एडजस्ट किए हमने, 3 लाख के, तो उसमें लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें 3 लाख शेयर्स के 3 रुपीज, सॉरी 4 रुपीज हमने एडजस्ट किए, 4 रुपीज ही ना एप्लीकेशन के, 3 लाख के 4 रुपीज मतलब 12 लाख एडजस्ट किए, ये प्रो राटा में रखे 12 लाख, मतलब अलॉटमेंट के वक्त ये 12 लाख रुपए कम मिलेंगे हमें, ठीक है ना, वो उसके पैसे वापस नहीं किए हमने, तो ये 12 लाख रख दिए, अलॉटमेंट में इतने रुपए कम मंगवाएंगे हम लोग, ठीक है। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई सिंपल, पहले पैसे मिले जितने फुल्ली रिजेक्ट, जितने फुल्ली एक्सेप्ट, बाकी के प्रो राटा में। एप्लीकेशन खत्म हो जाए तो क्या करते हैं फिर, फिर अलॉटमेंट की बारी। अब अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री करेंगे कि भाई पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए। अब देखो पैसे मंगवाए ना तो विद प्रीमियम है, 3 रुपए अलॉटमेंट के मंगवाए हैं और फिर बाकी के प्रीमियम के 4 रुपए। तो पहले पैसे मंगवाए हैं तो उसमें कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग करते हैं ना, उसमें लिखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल में लिखेंगे कि 6 लाख शेयर्स के, अब तो 6 लाख पे ही चलेगा, 21 में से जो फुल्ली एक्सेप्ट किए उसी पे ही आगे का वर्क चलता है ना, बराबर ना। बाकी का तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिए, उसका हमने एडजस्ट कर दिया कि अलॉटमेंट में कम मिलेंगे, बाकी काम तो अब 6 लाख पे ही चलेगा ना। तो 6 लाख के 3 रुपीज हमने कैपिटल में मंगवाए हैं, कैपिटल पे पहले 3 रुपीज, 6 लाख के 3 रुपीज 18 लाख, 18 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी का प्रीमियम में ना, कैपिटल के साथ ही प्रीमियम भी लिखते हैं ना, अगर प्रीमियम हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें प्रीमियम के कितने मंगवाए, 6 लाख शेयर्स के 4 रुपीज प्रीमियम में मंगवाए हैं, मतलब के 24 लाख, बराबर 24 लाख हमने प्रीमियम के मंगवाए। ये हो गया अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने, उसके बाद की एंट्री के अलॉटमेंट के पैसे मिले। अलॉटमेंट के पैसे मिले तो उसमें लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। तो हमने कितने मंगवाए, हमने 6 लाख के 4 रुपीज हमने मंगवाए, सॉरी 7 रुपीज, 3 और 4 मिलाकर 7 रुपीज हमने मंगवाए, लेकिन पूरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, उसमें से जो 12 लाख रुपए हमने यहाँ एडजस्ट किए थे वो 12 लाख अभी कम मिलेंगे ना, बरोबर ना। मतलब 6 लाख के 7 रुपीज अगर आप कहो ना तो वो हो जाते हैं 42 लाख, भले अगर मैं यहाँ पे अमाउंट ही लिखूँ तो 42 लाख हमने टोटल मंगवाए थे, लेकिन उसमें से 12 लाख अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो पहले ही मिल चुके थे, रिटर्न किए नहीं, वो प्रो राटा का ही आएगा ना यहाँ एडजस्टमेंट। तो 42 लाख में से 12 लाख अभी नहीं मिलेंगे, तो बाकी बैंक में मिलेगा हमें 30 लाख रुपीस, बराबर, बाकी के 30 लाख यहाँ पर आ जाएंगे ना। अरे बस उनमें ये अलॉटमेंट की एंट्री खत्म।
पहले पैसे मंगवाए फिर उसके पैसे मिले, जिसमें ये 12 लाख पहले ही मिल चुके थे तो अभी नहीं मिले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या, तो अब एंट्री करते हैं फिर कॉल की, कि उसमें दिया हो ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपए मंगवाए, तो उसमें पहले पैसे मंगवाना कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें कितने मंगवाए तो 6 लाख शेयर्स के 3 रुपीज हमने मंगवाए थे, 6 लाख के 3 रुपीज मतलब 18 लाख मंगवाए, 18 लाख हमें मिले। और दूसरा कि उसके पैसे मिले हमें, वो ये मंगवाए थे अब उसके पैसे मिले, तो एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जिसमें जिसमें पूरे ही पैसे मिल गए, कुछ बाकी नहीं। इस क्वेश्चन में तो ना कोई एरियर्स का है, ना फॉर फीचर का है, ना कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरे ही पैसे मिल गए, मतलब पूरे 6 लाख के 3 रुपीज हमें मिल गए, मीन्स 18 लाख, बरबर वो 18 लाख मिल गए ना, ये एंट्री हो गई हमारी। तो जो सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल की जैसे नॉर्मल एंट्रीज आती है वही एंट्रीज हो गई इसमें। ठीक है, ध्यान आया ना क्वेश्चन, कि देखो पहले एप्लीकेशन में जो मिला था उसमें हमने एडजस्ट किया, जितने एक्सेप्ट, जितने रिजेक्ट, जितने प्रोराटा, वो प्रोराटा हमने अलॉटमेंट में जो है वो एडजस्ट कर दिया। इसमें देखो एक चीज जो थी, जस्ट जो है वो मेंशन करवा रहा हूँ, इसमें था ना कि भाई जो जितने हमने अलॉटमेंट में रखे थे, जितने यहाँ पर प्रोराटा किए, वो अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट करने थे। ठीक है, देखो लास्ट लाइन एक दी गई है कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी वर्क क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल, कि एक्सिस एप्लीकेशन ये 12 लाख रुपए जो थे वो अलॉटमेंट और कॉल में एडजस्ट करने थे, हमने अलॉटमेंट में ही उसे एडजस्ट कर दिया। अगर आप चाहो तो जैसे 12 लाख रुपए हमने रिटर्न नहीं किए थे तो वो 6 लाख और 6 लाख करके अलग अलग आप एडजस्ट कर सकते थे, नहीं तो शेयर अलॉटमेंट में पूरे एडजस्ट कर दिए तो भी ठीक है। ठीक है ना, वो कोई एंट्रीज जो है वो चेंज नहीं हुई, सेम टू सेम। अब हर एक में सिंपल ही याद रखा करो, जितने प्रोराटा किए ना उसे अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है हमें, बरोबर। तो ये सब अच्छी तरह से देख लो, फिर से समझ लो एक बार ध्यान से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।